आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 14वें दिन लगभग 400 की संख्या में हड़ताली शिक्षकों की उपस्थिति रही। साथ ही मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय उपाध्यक्ष बीएल चौधरी एवं मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष सजल मास्की भी समर्थन में पंडाल में बैठे रहे। जिला अध्यक्ष आशीष विशेन एवं जिला सचिव एमंत ठाकरे ने बताया कि प्रशासन के द्वारा जिले के 11 शिक्षक शिक्षिकाओं को निलंबित किया जाने के बाद भी अध्यापक शिक्षक शिक्षिकाओं में जोश कम नहीं हुआ। सरकार के इस अड़ाइये रवैये दमनकारी नीति के विरोध में काली पट्टी बांधकर रविवार को निलंबित आदेशों की होली जलाई गई और सद्बुद्धि यज्ञ किया गया और निलंबन के आदेश के विरोध में काली पट्टी बांधकर 26 सितंबर को 11 शिक्षकों द्वारा जिसमें 9 बहनों एवं 2 साथियों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। जिलाध्यक्ष आशीष विसेन एवं समस्त जिला कार्यकारिणी ने जिले के समस्त अध्यापक शिक्षक साथियों से कहा कि आप इन निलंबन आदेशों की चिंता ना करें, यह हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। बहनों ने, हमारी शिक्षिकाओं ने आज भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल में अपनी भागीदारी दी है और हम सरकार की दमनकारी नीति का कि जिसके तहत हमारे बालाघाट से 11 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, इस दमनकारी नीति के विरोध में हम यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल। एक तो मैं स्वयं गायत्री पटले हैं, सुरकर हैं, सीमा दुआरे मैडम है, किरण चिले, भोला वर्मा, रूपा गोस्वामी, सकम नकपुरे, केशरी विसेन मैडम, सारी पैरा सविता जैसा, ये 9 दुर्गा का आज तो हमारे शासन प्रशासन में ये जरूर संदेश जाए कि जिस शक्ति आराधना की हम आज पूजा करते हैं वे ही शिक्षिकाएँ आज ऐसे तिलमिला करके शुरू करते हैं। कर्मोन्नति लागू करो, पदोन्नति लागू करो, गुरुजियों को वरिष्ठता दो, नियुक्ति दिनांक से हमें वरिष्ठता चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति, इन मांगों को लेकर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 13 सितंबर से आए। 4 सितंबर को हमारा एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना का प्रोग्राम था, उसमें हमने सरकार को अल्टीमेटम दिए थे। मई में हमारे प्रांता अध्यक्ष के द्वारा पदयात्रा निकाली गई थी, उसमें भी अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था। समय हमने कहा गया था कि 1 महीने में करना हुआ, आपकी मांग पूरी है। लगातार हमारे प्रयास हम करते रहे और दूसरियों के दिन में हमने प्रदर्शन किया है एक दिन, लेकिन जब सरकार नहीं मानी तब हमें भोपाल में प्रवेश करने नहीं दिया गया 13 सितंबर को। तब हमारे प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया गया कि अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल इन मांगों के विरुद्ध निकलें। लगातार हम जब हड़ताल कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, और हमारा शनिवार के दिन जिला स्तरीय आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, उसमें हमारी बहुत संख्या में हमारे भाई साथी, इसका मीडिया भी साक्षी है और उसके प्रचार जैसे विभिन्न जिलों में उस प्रकार की आक्रोश रैली का आयोजन किया गया जिससे सरकार कहीं ना कहीं मिला गई और उन डर के कारण उन्होंने कोई अपना डेलीगेशन तो नहीं भिजाया हमसे चर्चा करने के लिए। हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई विद्रोही नहीं है, हम तो एक अपनी मांग कर रहे थे, सीधे साधे शिक्षक हैं और हम सरकार से मांग कर रहे थे। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं आया, हमसे कोई बात नहीं किया और किसी प्रकार का कोई अल्टीमेटम दिए बगैर हमारे साथियों को निलंबित करना शुरू कर दिया, हमारे प्रांताध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया और हमारे ज़िले में 7 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 4 प्राथमिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया बिना किसी को। इस निलंबन को हम देख रहे हैं कि सरकार भी कहीं ना कहीं बौखलाहट है और शिक्षकों के प्रति ये दमन भरे नहीं कर रहे, इसके विरुद्ध में ही हमने क्रमिक भूख हड़ताल जारी किया है और हमारे प्रांताध्यक्ष ने आज जबलपुर में आमरण अनशन करना शुरू किया। बालाघाट से UD News के लिए अखिलेश सिल्हारे की रिपोर्ट।